चेंबर चुनाव भी एक विषय था कि चेंबर के चुनाव होने थे, आगे बढ़ गए, कुछ संविधान को लेकर के संशोधन करने का मामला आया जिसको लेकर के आपस में काफी चर्चाएं हुई। और जो भी सत्ता वाले होते हैं, सत्ताधीश का एक वो होता ही है कि उन लोग अपना सत्ता का असर हर कोई दिखाता है, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, व्यापारिक संगठन हो, कोई भी संगठन हो। जो कुर्सी में बैठ गया वो ये मान लेता है कि ये अंतिम सत्य है कि मैं बैठ गया हूँ, मेरे यहाँ से उतरना नहीं है, और उसी हिसाब से वो लोग काम करना प्रारंभ कर देते हैं। तो खैर ये जो चीजें रही उस पर चर्चा के बाद ये तय हुआ कि एक बैठक आयोजित की जाए। और मैंने विशेष तौर पर बहुत जोर देकर के आप सबसे अनुरोध किया था, अभी योगेश भाई पहुंचे नहीं है, वो भी आते होंगे, बल्कि मेरा तो इरादा ये था कि मैं, तो मेरी व्यक्तिगत राय जो थी कि बैठक के पहले हम लोग बैठक से बड़ी बैठक धरने के रूप में कर लें, वही सब लोग आ जाएंगे, वही बैठक हो जाएगी, वही पहले धरना प्रदर्शन हम लोग कर लें, चाहे वो जीएसटी दफ्तर का घेराव करके करें या किसी अन्य जगह पर धरना प्रदर्शन कर लें। तो वो चर्चा के साथ उस दिन ये तय हुआ कि आज बैठक बुलाई जाए। इस बैठक में हम आंदोलन की रूपरेखा भी बनाएंगे, किस तरह से हम अपनी लड़ाई को लड़ सकते हैं, किस तरह से जो बातें व्यापारियों के शासन के समक्ष जानी चाहिए उन बातों को लेकर के जा सकते हैं। क्योंकि सामान्य सी बात है जो हम लोग बचपने से सुनते आ रहे हैं कि बच्चा जब तक रोता नहीं है माँ दूध नहीं पिलाती है, तो फिर जब हमारी समस्याओं को लेकर के हम लोग अपनी विरोध दर्ज नहीं करेंगे तो कौन हमारी सुनेगा। और जिनको सुनाने का काम करना था, जो हमारे नेतृत्व करता है, उन्होंने कहीं ना कहीं हम सबको निराश किया। जिनको हमारी बात को लेकर के जाना था, जिनको हमारे लिए लड़ जाना था वो गए, एक ज्ञापन दिए, वापस आ गए, दूसरे दिन फोटो छप गई कि उनको दिया है, लेकिन उसका जवाब भी उसमें था क्लियर कि उन्होंने कहा कि हम इस सिलसिले में, इस बारे में आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, इसको कड़ाई से लागू करें। और कोई हम लोग टैक्स चोर जो शब्द होता है, चोर तो कहीं है नहीं, यदि किसी तरह की कोई चीज हमारे द्वारा की जाती है बट, तो वो जितना हम बचाते हैं उसका 80% हिस्सा तो उनका ही हो जाता है, और उसके बाद जो लोग जो हमको बाध्य करते हैं वो लोग हमको ये बात संबोधित करते हैं, तुम लोग टैक्स चोरी कर रहे हो। और आकर के वो क्या कर रहे हैं, जिसके यहाँ छापा पड़ता है उसके यहाँ सेटलमेंट की बात करते हैं, 10 लाख रुपए देना है तो 3 लाख के रसीद पर जमा होगा खाते में, 7 लाख रुपए उनके खाते में जमा होगा। तो ये जो 30-70 का जो फार्मूला अपना के काम कर रहे हैं, तो ये तो वसूली उगाही का काम हो रहा है ना, उसके लिए व्यापारियों के ऊपर दबाव ये बनता है कि यदि आप नहीं पटाओगे और ये खाता भाई कागज पत्र दिखाओगे तो हम दुकान सील कर देंगे, तुम्हारी फैक्ट्री सील कर देंगे,